हेलो छात्रों, ज्ञान सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और इसके पहले समाकलन का पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 12.1 एंड 12.2, जो कि पूरा कंप्लीटेड एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया, एक एक क्वेश्चंस। और उम्मीद होगी कि आपको पूरा लेसन समझ में आया होगा और आपने प्रॉपर नोट्स भी बनाया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, अलग अलग करके इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो ये वाला एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके बुक में है प्रश्नावली 13.1। और इसका भी हम एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसे करके 13.1 एंड 13.2, 13.3, 13.4 एंड 13.5 सभी को हम एक एक क्वेश्चन के भांति कवर करेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर ना? और एक चीज़ आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फीडबैक ज़रूर दें पूरा वीडियो देखने के बाद, कि आपको क्या कोई क्वेश्चन डाउट रहा या कोई प्रॉब्लम है, तो ये मैं आपसे उम्मीद करूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, इंटीग्रेशन अंडर रूट 2x-3 इंटू डी एक्स। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू लेट कर लेंगे, मतलब कि मान लेंगे। हम मान लेते हैं, माना 2x-3 बराबर, यहाँ मान लेते हैं t। अब यहाँ केवल x के रिस्पेक्ट में हम समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये देखिएगा, 2 आगे आ जाएगा, केवल x का हो जाएगा dx और केवल गिनती का 0, एंड t का हो जाएगा आपके पास dt। यहाँ से आप प्रयास करेंगे dx का वैल्यू निकालने के लिए बारी बारी से। तो यहाँ dx को होल्ड कर लेंगे, dx के बटे में 2 है, चला जाएगा वह गुड़े में है, चला जाएगा बटे में इंटू dt। जहाँ भी डी एक्स होगा वहाँ छात्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 इंटू डी टी। तो चलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे कि आपने मान लिया है 2x-3 बराबर टी, तो हम इस अंडर रूट के अंदर इसकी पूरी वैल्यू हमने मान लिया है टी, तो हम यहाँ रख देंगे टी। और डी एक्स बराबर आपने यहाँ से निकाल ही लिया अवकलन करके, तो यहाँ उसका वैल्यू आप रख लेंगे 1/2 इंटू डी टी, क्योंकि सभी फंक्शन टी के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो क्या ज़रा ये बताइएगा, अगर किसी भी संख्या के ऊपर यदि अंडर रूट लगा हो तो उसको हम घातांक रूप में 1/2 भी पावर कह सकते हैं। ये 1/2 गुणे में है, मतलब अचर पद है, इसको हम बाहर निकाले जाएंगे इंटू डी टी। और यहाँ पे आपका फाइनली जो सूत्र लगने वाला है वह एक्स की पावर एन के रूप में लगने वाला है। एक्स की पावर एन का जो समाकलन का फार्मूला होता है वह होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। आपने पिछले लेक्चर में देख लिया है, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया। तो यहाँ देखिएगा, हम उसी में जोड़ देंगे 1/2 में, तो 1/2 में यदि आप एक जोड़ोगे तो हो जाएगा 3/2, और नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस का सी। इसको हम पलट देंगे तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3। और टी की वैल्यू हम वापस ला के यहीं रख देंगे, जो टी की वैल्यू आपने माना था भैया 2x-3 और यहाँ पावर में 3/2 प्लस का सी। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास जो आंसर होगा वह 1/3 2x-3 का होल पावर 3/2 प्लस सी, देन ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर होता है। और हम पहुँचते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ तुरंत। तो पहले भाग का दूसरा प्रश्न जो आपके सामने है, पहला का दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/5x-4 इंटू डी एक्स। तो ज़रा ये देखिएगा, इसमें भी इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको टुकड़ी कर लेंगे, प्रतिस्थापन कर लेंगे। और जब प्रतिस्थापन करेंगे यहाँ, तो हम फिर से यहाँ मानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ आप मान लीजिए ओवरऑल 5x-4 बराबर टी। यहाँ आप मान लेंगे 5x-4 बराबर टी, तो एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ अवकलन कर देंगे तो 5 आगे आ जाएगा, केवल एक्स का डी एक्स हो जाएगा, केवल गिनती का 0, एंड टी का हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/5 इंटू डी टी। अब पुनः उस वैल्यू को यहाँ उठा के आप रख लेंगे। आपने नीचे 5x-4 बराबर मान लिया था टी, यहाँ लिख लेंगे आप टी। डी एक्स की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड कर ही लिया है, तो 1/5 इंटू डी टी, जो भी अचर पद गिनती होगा वो आगे आ जाएगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, तो 1/5 बाहर
एंड अंदर बचा रह जाएगा वन अपॉन टी इंटू डी टी। सभी को मालूम है कि 1/x का जो समाकलन होता है वह लॉग एक्स होता है, टी रहेगा तो टी एन एक्स रहेगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसके रिस्पेक्ट में आंसर लेके जाएंगे। तो ये आपका दो आंसर हो गया पहले का। दूसरा हम सीधे पहुंचते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ, पहला का तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा प्रश्न देखिएगा, हम ऐसे ही आराम से स्मूथली लेके चलेंगे कि आपको एकदम से ऑफलाइन वाली क्लास महसूस करा के मानूंगा मैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ई की पावर माइनस का 2 3x इंटू डी एक्स, क्लियर। ये आपके सामने होगा तीसरा प्रश्न। और जब ये तीसरा प्रश्न आपके सामने हमने रखा है तो इसको भी हम प्रतिस्थापन कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना 2 - 3x बराबर टी, तो 2 का केवल हो जाएगा 0 अवकलन और 3 आगे आ जाएगा, केवल x का हो जाएगा डी एक्स और केवल t का हो जाएगा डी टी। तो यहाँ डी एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो माइनस का 1/3 इंटू डी टी। अब सभी वैल्यू को उठा के हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, e की पावर 2 - 3x आपने मान लिया है t, तो मैं रख लेंगे t, और डी एक्स की वैल्यू आपने निकाला है माइनस का 1/3 इंटू डी टी। 1/3 माइनस को हम आगे ले लेंगे, हमारे पास अंदर बचा रह जाएगा e की पावर t इंटू डी टी। अब सभी को मालूम है कि जो पहला वाला लेक्चर देखा होगा सूत्र वाला, उसको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। e की पावर x का सूत्र जो होता है, समाकलन होता है, वो e की पावर x ही होता है t के रिस्पेक्ट में, तो t प्लस का c, और जो भी आपने t का वैल्यू माना था वापस वो आप ला के यहाँ रखना है। तो t बराबर आपने माना था 2 - 3x, x के पद में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। अब हम पहुँचेंगे पहुँचेंगे 1/4 इंटीग्रेशन 1/3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो ये भी इजी ही है, तो इसको ज़रा देखिएगा। हम मान लेते हैं कि माना 3x प्लस 4 बराबर टी, तो 3 आगे आ जाएगा, केवल एक्स का डी एक्स, 4 का हो जाएगा 0 एंड टी का हो जाएगा डी टी। तो डी एक्स बराबर आपके सामने हो जाएगा 1/3 इंटू डी टी। अगले हम लाइन में प्रयास करेंगे कि जो एक टाइप का प्रश्न होगा तो उसको इग्नोर करेंगे, कि आप आराम से उसको होमवर्क के रूप में लगाएंगे। तो यहाँ मान लिए हैं 3x + 4 बराबर टी, यहाँ रख लेंगे टी इंटू डी एक्स बराबर आपने वहाँ निकाल ही लिया है 1/3 इंटू डी टी। 1/3 को बाहर रख लेंगे, हमारे पास बचा रह जाएगा अंदर 1/t इंटू डी टी। 1/t का जो समाकलन होगा वह हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, जो भी आपने माना था टी का वैल्यू वह उठा कर रख देंगे, 3x + 4 माना था, ये आ जाएगा आपका देन आंसर। पहुँचते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अब पहुँचते हैं हम पहला का पांचवा प्रश्न, पहले क्वेश्चन का हो जाएगा ये 5 नंबर। इंटीग्रेशन 1/-1 प्लस ब्रैकेट में दिया हमारे पास 2x -5² इंटू डी एक्स। तो ये भी इजी ही है, कोई टफ नहीं है, हम आपको टफ लगने भी नहीं देंगे, क्योंकि यदि आपको थोड़ा सा बेसिक आता है तो मुझे लगता है कि मैं समझा ले जाऊंगा। अब यहाँ पे छात्रों मान लेते हैं कि माना 2x - 5 बराबर टी, यहाँ मान लेंगे, यहाँ 2 आगे आ जाएगा, केवल x का डी एक्स, केवल गिनती का 0 एंड t का डी टी हो जाएगा। यहाँ अवकलन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स बराबर 2 * 1/2 चला जाएगा इंटू डी टी इक्वल टू माइनस का 1 प्लस, इसके बराबर आपने टी मान ही लिया था, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर एंड डी एक्स का वैल्यू आपने वहाँ निकाल लिया 1/2 इंटू डी टी। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, 1/2 आगे आ जाएगा, अंदर आपके सामने बचा रह जाएगा माइनस का 1 + t² इंटू डी टी। 1/2 और ये समाकलन किसका होता है, यह होता है भैया काट इनवर्स एक्स का, तो यहाँ टी है तो यहाँ काट इनवर्स टी हो जाएगा प्लस सी। 1/2
कॉट इनवर्स टी का वैल्यू जो आपने रखा था उसको उठा के वापस रख लें, तो एक्स माइनस 5 प्लस सी, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। तो जो पहला का पांच भाग था वो ख़त्म होता है, एक प्रश्न हमारे पास और बचा है इसका, इसको भी देख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट भी करें कि हाँ सर एकदम से बेहतरीन समझ में आ रहा है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ये 12 वाली मैथ है, खूब आराम से अगर एक नया छात्र भी पढ़ेगा और कभी किसी से नहीं भी पढ़े होंगे आप, तब भी आपको उम्मीद है कि मैं समझा पाऊँगा। तो पहला का एक पार्ट और बचा है जिसको 6 नंबर, और इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। 1/√(1 − 3x − 7)² जो dx। तो यहाँ देख लीजिएगा आप ध्यान से, तो यहाँ भी मान लेंगे हम लोग, हम मान लेते हैं कि माना 3x − 7 = t, ठीक है। यहाँ x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, केवल x का dx एंड 7 का 0 एंड t का हो जाएगा हमारे पास t। क्लियर? तो अब यहाँ अगर dx की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा dx = 1/3 × dt। उठा के सब यहाँ रखेंगे, इंटीग्रेशन 1/√(1 − 3x − 7)t मान लिया है, स्क्वायर लगाया तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, इंटू dx = आपने निकाल ही लिया है 1/3 × dt। यहाँ से 1/3 बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1/√(1 − t²) × dt। ये जो फार्मूला होता है यह साइन इनवर्स टी का हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में है तो +c, और यहाँ से आप टी का वैल्यू वापस रख देंगे, 3x − 7 + c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो पहला का जो 6 भाग थे, और हम उम्मीद किए हैं कि 6 भाग आपके सामने समझा पाए होंगे। तो ये देखिएगा अब दूसरे पार्ट का, मतलब कि दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे का पहला इंटीग्रेशन cos 3x + 5/3 × dx। तो जरा देखिएगा, ये इसमें भी हम प्रतिस्थापन करेंगे, तो यहां मान लेंगे हम लोग माना 3x + π/3, इसके बराबर हम लोग मान लेंगे t, ठीक है। और यहाँ जब अवकलन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, केवल x का dx, π/3 अचर पद है, 0 देख के चला जाएगा एंड t का हो जाएगा dt। तो dx = आपका फाइनली वो आंसर आ जाएगा 1/3 × dt। अब यहाँ हमने माना है जो यहाँ उठा कर रख लेंगे, काश इसके बराबर t मान लिया है, t dx को भी हटाना क्योंकि t के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, तो हो जाएगा 1/3 × dt। 1/3 आ जाएगा हमारे आगे, और हमारे पास बचा रहेगा cos t × dt। तो cos t का जो समाकलन होता है वो होता है भैया sin t + cos c, 1/3, और t का जो वैल्यू आपने माना था वापस यहीं ला कर रख देना है, 3x + π/3 + c। तो अगला प्रश्न पूछते हैं हम, 2 का सेकेंड नंबर इंटीग्रेशन sec²(4x + π/6)². तो ये जरा देखिएगा, माना 4x + π/6 = t, 4 आगे आ जाएगा, केवल x का हो जाएगा आपके पास dx, π/6 का हो जाएगा 0 एंड t का हो जाएगा dt। dx = हो जाएगा 1/4 × dt। यहाँ उठा के रख लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा हमारे पास sec²(t),
और डी टी का या डी एक्स का वैल्यू हमने निकाला है 1/4 इंटू डी टी, 1/4 भैया आगे आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। सभी को मालूम है कि सेक स्क्वायर टी का जो समाकलन होता है वह टेन टी हो जाएगा प्लस का सी। वापस ला के हम टी का वैल्यू फिर से पुटअप कर देंगे जो कि 4x+5/6 था, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो पहुँचते हैं दूसरे के तीसरे पार्ट में, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ज़रा आप ये भी देखें। मुझे लगता है कि एक आधे घंटे की क्लास में मैं पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता हूँ, और कभी काल के 1 घंटा पहुँच जाएगा तो उसके लिए आप परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको भैया जब विधिवत पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम देना भी पड़ेगा। तो 2 का तीसरा जो हमने यहाँ देखना है वह cos x डिग्री इंटू डी एक्स, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि ये माना जाता है कि x डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बटे 180, और इसको हम लिख पाएंगे जरूरत पड़ने पर 180। मैं थोड़ा सा निकाल के दिखा भी दूं क्या, चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 180/पाई रेडियन में। तो यहाँ से एक्स डिग्री का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 180/पाई एक्स। तो यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीग्रेशन कॉस, और एक्स डिग्री का जो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे वह 180/पाई इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब हम मान लेंगे माना माना 180/पाई इंटू एक्स बराबर टी, तो 180/पाई आगे आ जाएगा और एक्स का केवल समाकलन होगा वह डी एक्स होगा, केवल टी का हो जाएगा डी टी। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा, तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या हमने, और पाई बटे 180 ही होता है, ठीक है। और थोड़ा सा एरर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देख लीजिएगा 1 जो डिग्री का वैल्यू होता है वह 180/पाई नहीं पाई बटे 180 होता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, या यहाँ लिख देते हैं, या ये पाई बटे 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पाई बटे 180, ठीक है। और यहाँ से जब डी एक्स की वैल्यू लेके जाएंगे आप तो ये हो जाएगा 180/पाई इंटू डी टी, ठीक है। थोड़ा सा तो हमने हल्का सा ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ भी थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको जो हमने माना था, यह भैया पाई बटे 180 इंटू एक्स हो जाएगा, पाई बटे 180, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एरर था, लेकिन एरर नहीं था, लेकिन हमने थोड़ा सा जैसे सेट होता वैसे ही हमने सेट किया। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपने अभी माना है कॉस पाई बटे 180 इंटू एक्स को मान लिया है टी, तो यहाँ लिख लेंगे हम टी, और डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 180/पाई इंटू डी टी। तो यहाँ हो जाएगा 180/पाई आगे आ जाएगा, और अंदर बचा रह जाएगा आपके पास कॉस टी इंटू डी टी। और सभी को मालूम है कि जो कॉस टी का समाकलन होता है वह साइन टी हो जाएगा प्लस सी। और वापस हम टी का मान यहाँ रख सकते हैं, तो टी का मान वापस रख सकते हैं क्या, पाई बटे 180 इंटू एक्स प्लस सी। तो पुनः हम वापस उसी परफेक्ट में रख देते हैं, क्योंकि इसको एक्स डिग्री बोलते हैं तो एक्स डिग्री भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी के रूप में आंसर लेके जाता है। तो ये आपका दूसरे का थर्ड नंबर कंप्लीट होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पहुँचेंगे। अब हम पूछेंगे दूसरे का फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, दूसरे का फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम पूछेंगे। वन अपन 1+9x² इंटू डी एक्स। चले भैया ज़रा इसको देखिएगा, तो ये आप सबको फार्मूला दिख ही रहा होगा, तो इसको एक लाइन में थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करूँगा। इसको आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 9 को आप लिख सकते हैं 3x² क्योंकि लिखा तो वही है। यहाँ आप मान लीजिए, अब माना
तीन एक्स बराबर टी, तीन आगे आ जाएगा एक्स का डी एक्स एंड टी का डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी 1/3 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि इसके बराबर आपने टी मान लिया था, हमने टी रख लिया, और डी एक्स की वैल्यू आपके पास है 1/3 इंटू डी टी, 1/3 आगे आ जाएगा, अंदर बचा रह जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये फार्मूला आपको साफ साफ दिख रहा होगा, टेन इनवर्स एक्स का टी है यहाँ, तो टी लिख लेंगे प्लस का सी। हम वापस ला के टी का वैल्यू रख देंगे जो कि हमारे पास 3x था, ये हो जाएगा प्लस सी, देन आंसर। तो ये दूसरा पार्ट ख़त्म होता है, और नहीं एक प्रश्न और है, इसके भी 5 प्रश्न हैं तो उसको भी कवर कर लेते हैं, तो इसका भी देख लीजिए। दूसरे का हम पांचवा आप कवर करेंगे। चलिए देखिए, दूसरे का पांचवा पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन 1/√1 − 16x² इंटू डी एक्स। तो ये भी सेम उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा लॉजिक है, हम एक लाइन बढ़ा लेंगे इसको, इसको लिख सकते हैं √1 − 16 को क्या हम 4x² लिख सकते हैं, लिखा तो वही है। अब यहाँ मान लेंगे हम लोग, माना 4x = t, तो 4 आगे आ जाएगा, केवल x का डी एक्स एंड केवल t का dt। यहाँ से x डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 1/4 इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√, आपने जो 4x की वैल्यू माना था t, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास t² डी एक्स की वैल्यू आपके पास है 1/4 इंटू डी टी। तो यहाँ आपके सामने 1/4 आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन √1 − t² इंटू डी टी 1/4, यहाँ साइन इनवर्स का सूत्र होता तो हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी, 1/4 साइन इनवर्स टी की जो वैल्यू है यहाँ हमारे पास 4x प्लस सी, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। तो अगला हम पहुँचते हैं, ये दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है, और अब हम पहुँचेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरे का मुझे लगता है कि आज 1 घंटा का लेक्चर हो जाएगा अगर एक एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करेंगे तो। तो तीसरे का हम पहला को कवर करेंगे, तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन sec 2x + 3 इंटू tan 2x + 3 इंटू डी एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वैसे ही लगेगा, देखिएगा दोनों के ठीक थीटा सेम है, तो यहाँ हम लोग मान सकते हैं, माना 2x + 3 = t, तो 2 आगे आ जाएगा x का डी एक्स एंड 3 का 0 और t का डी टी, डी एक्स बराबर आपके पास सामने हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी, तो यहाँ रख लीजिए उठा के, हो जाएगा sec, इसके अलावा टी माना आपने तो टी इंटू इसके बराबर भी सेम वैल्यू है, तो यहाँ भी टी लिख सकते हैं, और डी एक्स का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी। तो यहाँ से 1/2 आपका आगे आ जाएगा, और अंदर बचा रहेगा sec टी इंटू tan टी, जो कि यह फार्मूला होता है भैया समाकलन का sec टी, ये sec टी का फार्मूला था प्लस सी। वापस आप यहाँ ला के अब रख सकते हैं, और टी की वैल्यू जो कि आपके पास है 2x + 3 + c, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। तो अगला देखिएगा, तो तीसरे का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, देन आंसर, और पूछते हैं हम पहुँचेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे। तीसरे के दूसरे क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन cot 4x - 5 इंटू cosec 4x - 5 इंटू डी एक्स। चलिए ये प्रश्न जरा आप देखिएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मान लेंगे हम, माना
चार एक्स माइनस पाँच बराबर टी, तो चार आगे आ जाएगा एक्स का डी एक्स और केवल गिनती का जीरो एंड टी का हो जाएगा डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू 1/4 इंटू डी टी, वापस वैल्यू यहाँ उठा के रख लेंगे तो जाएगा कॉट, इसका आपने माना था टी तो लिख लेंगे टी। यहाँ भी सेम वैल्यू है, चार एक्स माइनस पाँच इसके बराबर टी माना तो यहाँ भी टी लिख लेंगे, और डी एक्स की वैल्यू आपने देखा ही कि आपने निकाल लिया 1/4 इंटू डी टी बराबर 1/4 इंटू कॉट टी इंटू कॉसेक टी इंटू डी टी 1/4, और ये समाकलन होता है भैया माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आप देखते रहिएगा, कहीं एरर होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ पहुँचते हैं। अब हमारा अगला जो प्रश्न है और तीसरे का थर्ड नंबर, तो इंटीग्रेशन ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो चलिए इसको हल करते हैं, अंदर वाले का प्रतिस्थापन करते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना ए एक्स प्लस बी इज़क्वल टू टी, ए आगे आ जाएगा केवल एक्स का डी एक्स, बी का हो जाएगा जीरो एंड टी का हो जाएगा डी टी। तो डी एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा 1/a इंटू डी टी, यहाँ से ए बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा कास, इसके बराबर टी मान लेंगे, और डी एक्स का वैल्यू आपने निकाल ही लिया है 1/a इंटू डी टी। तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास बचेगा कास टी इंटू डी टी, और सबको मालूम है कि कास टी का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा प्लस का साइन टी प्लस सी। तो टी का वैल्यू आप वापस रख सकते हैं यहाँ, जो एक्स प्लस बी था ये प्लस सी आंसर। चलिए अगला प्रश्न ज़रा देखिएगा, अगला भी प्रश्न इजी ही है, सेम इसी पैटर्न पर है। तो तीसरे का फोर्थ नंबर कंप्लीट कर लेंगे हमने। इंटीग्रेशन 3 cos 3x+4 इंटू इंटू नहीं माइनस है, फोर साइन 4x+5 इंटू डी एक्स। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डबल क्वेश्चन है और स्पेस कम है, तो इसको डायरेक्ट मैं मारता हूँ, ज़रा देखिएगा। क्योंकि इसमें जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलिए साइड में मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ साइड में आप देख लीजिएगा ध्यान से, इसमें दो पैटर्न बन रहे हैं। तो पहला यदि मान लेंगे आप 3x+4 बराबर 3 मान लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ निकल के आ जाएगा भैया 3 dx dt। तो यहाँ डी एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा 1/3 dt। दूसरे पैटर्न के लिए हम मान लेंगे कि यहाँ अलग अलग है, तो 4x+5 बराबर यहाँ मान लीजिए कि v, यहाँ जब अवकलन करेंगे 4 आगे आ जाएगा एक्स का डी एक्स, केवल गिनती का 0, और v का करेंगे तो dv। तो डी एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा 1/4 dv, और यहाँ से आप देखिए, यहाँ समझ में आएगा क्यों हमने ऐसा किया है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ डबल क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ 3 और इसके बराबर आपने टी यहाँ माना है, तो यहाँ रख लेंगे आप टी, और इसके बगल में डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो डी एक्स का मान रख लेंगे हम लोग 1/3 dt माइनस ये हो जाएगा 4 साइन, इसके बराबर आपने माना था भैया वी, तो यहाँ लिख लेंगे आप बी, डी एक्स की वैल्यू आपने निकाला था 1/4 dv। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ समाकलन आपका हो जाएगा साइन टी, और यहाँ समाकलन आपका हो जाएगा प्लस का कास बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस लेके आएगा, और ये आपके पास सी। अब यहाँ जो आपने टी माना था, आप टी का मान रख दीजिए, जो कि आपने 3x+4 माना था, प्लस वी की वैल्यू आपने माना था 4x+5, यहाँ वापस रख देंगे आंसर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो थोड़ा सा हमने डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन साइड में हमने आपको दिखा दिया, यहाँ से समझ जाइएगा। तो ये तीसरा पार्ट ख़त्म होता है, और मुझे लगता है कि मैं 4 पार्ट ही कवर कर पाऊँगा, क्योंकि ये 29 मिनट का वीडियो हो गया है, और इसका सेकेंड वीडियो मैं एक क्वेश्चन और भी कवर करता हूँ, चौथा पार्ट भी ख़त्म कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा 30-32 मिनट का ही वीडियो रखेंगे। तो क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक हमने कवर किया है और चौथा आप कवर करने जा रहे हैं। तो ये देखिएगा, चौथा का पहला क्वेश्चन जो हम लोग कवर करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो छात्र यदि 11 वाले देख रहे होंगे, इनको मैं उस दिन समझाया था इस फार्मूले का कितना यूज होगा, आज आपको देखने को मिल भी जाएगा। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाल के रखने का प्रयास करिए, जो कि एक सूत्र होता है कास टू एक्स बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालने का प्रयास करेंगे, जो कि साइन स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos 2x/2। उठा के हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपके सामने हो जाएगा 1 माइनस cos 2x/2 dx बराबर, यहाँ इसको अलग अलग कर लेंगे तो 1/2 × 1 × dx, ये माइनस इंटीग्रेशन cos 2x/dx। यहाँ जब आप इसका समाकलन करेंगे तो केवल एक का हो जाएगा x, और यहाँ cos 2x का हो जाएगा sin 2x, x के गुणे में जो भी रहता है वह बटे में चला आता है प्लस c आंसर। तो दूसरा हम क्वेश्चन कवर करते हैं, चौथे का सेकंड प्रश्न, जो कि इंटीग्रेशन cos2x/dx होता है और इसी फार्मूले से वो भी निकल के आता है जो कि मैं यहाँ दिखाने का प्रयास करूँगा। दूसरा इसका फार्मूला जो होता है वह भैया होता है cos2x/2 cos2x-1, और यहाँ से आप cos2x का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास cos2x, 1 उधर चला जाएगा तो बटे +1, और ये 2 गुणे में था तो बटे में चला आएगा। तो यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं cos2x का जो वैल्यू आपने निकाला है वो 2x+1/2 dx। यहाँ 1/2 बाहर कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपके पास cos2x+1/2 × 1 × dx, हमने मल्टीपल करा दिया ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ था, जो 1/2 हमने यहाँ बाहर निकाल लिया था तो इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और बाद में जब यहाँ गुणा होगा अंदर जाके यहाँ तो 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/4, ये थोड़ा सा गलती हमने कर दिया था ठीक है, यहाँ हमने मल्टीपल कर लिया है। चलिए देखिए, यहाँ हो जाएगा 1/2, और जब इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 उसका आएगा और ये cos 2x का हो जाएगा sin 2x, केवल एक का हो जाएगा x, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 1/4 sin 2x+1/2 × x+c देन आंसर। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हम पहुंचेंगे भैया लेके इसका थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर भी बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक स्टेप दो तरीके से लगा सकते हैं उन क्वेश्चन को। तो हम तीसरा क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके सामने है sin³x। sin³x का कोई समाकलन होता नहीं है, लेकिन इसको भी हम एक फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, जो कि यहाँ से मैं निकालने का प्रयास करूँगा, जो होता है आपके पास sin³x का एक फार्मूला होता है ठीक है, जो भैया आपके सामने होता है 3 sin x, ध्यान से देखिएगा 3 sin x माइनस का 4 sin³x, 4 sin³x। यहाँ से आप sin³x का मान निकालने का प्रयास करेंगे तो इसको आप उधर उठा लाएंगे, इसको इस पर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल हो जाएगा sin³x, और ये हो जाएगा 3 sin x, ये उस पर चला जाएगा तो माइनस का sin³x, और ये गुणे में 4 था तो चला जाएगा बटे में 4। वापस ला के हम यहीं रख लेंगे ठीक है। तो यहाँ हम sin³x का जो वैल्यू हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह लिख सकते हैं इसको sin³x माइनस का sin³x बटे ओवरऑल 4 × dx। 1/4 को हम बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ से दो सवाल को हम अलग अलग टुकड़ी में कर लेंगे, इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस का 1/4 दोनों के नीचे चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा sin³x और इंटू dx, ये भी इंटू dx।
तो एक काम करिए कि आप 1/4 बाहर ही रखिए, ठीक है? तो ये अभी काम आ जाएगा ओवर, हमने मल्टीपल नहीं कराना है। तो हो जाएगा 1/4, ये बड़ा वाला ब्रेकर, 3 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ये माइनस है, और इसका जब समाकलन आप करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और साइन 3x का जो समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉस 3x/3, ठीक है? अब क्या करते हैं कि हम 3 जबरदस्ती कामन निकाल लेते हैं, तो बाहर हो जाएगा 3 चौको 12, और ये प्लस का है, इसको हम आगे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस 3x, 3 तरीका हो जाएगा माइनस का 9 कॉस एक्स प्लस का सी, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। तो 4 का ये 3 प्रश्न हो गया, एक प्रश्न और भी हमारे सामने है, तो चौथा प्रश्न इसका ले लेता हूँ मैं। तो चौथे का ये लास्ट प्रश्न है, जो कि छोटा सा ही है लेकिन दमदार है, तो ये देख लीजिए। तो चौथे का चौथा प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जो कि है 4 cos³x। अब यहाँ भी एक फार्मूला होता है, जो कि मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो फार्मूला आपके सामने होता है वो मैं डिस्कस करके दे रहा हूँ, देखिएगा। ये होता है cos³x = 4 cos³x - का, ये फार्मूला आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, यदि याद नहीं करेंगे तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, ठीक है? या इसका फार्मूला जाएगा 4 cos³x - का 3 cos x, ठीक है? अब यहाँ से आप 4 cos³x का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो इजी हो जाएगा, ये cos³x को आप उस पर होल्ड रखेंगे, इसको इस पर उठा लेंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो cos³x और माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये cos³x का वैल्यू उठा के आप यहाँ रख लेंगे और इसका समाकलन कर लेंगे, तो हम 4 cos³x को लिख सकते हैं cos³x + 3 cos x ∫ ओवरऑल dx, ठीक है? तो इसका भी समाकलन कर लीजिए, कोई नहीं, तो cos³ अलग अलग कर लेंगे, यहाँ 2 सवाल बन रहा है, तो हो जाएगा cos³x * dx +3 आगे ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा cos x * dx, तो cos x का समाकलन आपके सामने हो जाएगा sin³x / 3, ये 3 तो आगे है ही, ये cos x का हो जाएगा भैया sin x। तो यहाँ 1/3 हम लोग कामन भी ले सकते हैं, चाहे तो इतना भी आंसर दे सकते हैं, जो कोई तकलीफ नहीं है। तो यदि 1/3 ओवरऑल आप कामन लेते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा sin³x, और ये 3 उसमें मल्टीपल हो जाएगा 3 तरीका 9 sin x, ये देन आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि पूरी एक्सरसाइज तो मुझे लगता है नहीं कम्प्लीट हो पाएगी इस वीडियो में, तो इतना ही रखते हैं 4 का 4th नंबर, और मैं 13.1 के दूसरे पार्ट में मैं और क्वेश्चन कवर कर लूँगा। तो उम्मीद होगी कि सभी छात्रों को ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। आप मैं इतना जब कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपसे एक उम्मीद करूँगा कि जो आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, उनको चैनल आप शेयर करिए, कि जो बेचारा कोचिंग नहीं कर पाता है, ये मैं उसके लिए अभियान चला रहा हूँ कि मैं और एक कम से कम चीज़ों में, क्योंकि डाटा अपना खर्चा करके भाई तो पढ़ ही लोगे, अगर इतना भी नहीं कर पाओगे आप सस्ते में तो और क्या करोगे लाइफ में, कितना कोई नहीं करेगा। आप पूरे यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, किसी टीचर ने किसी बुक का एक एक क्वेश्चन नहीं कराया होगा, और वो क्यों कराएगा, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जानी है, वो वहीं करा देगा तो लड़के उसके पास आएंगे, लेकिन हमारी सोच ऐसी नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, तब तक मैं पूरा क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा, और जो छात्र इच्छुक होंगे आराम से पूरा नोट्स बना के पूरा फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे ऐसे ही बने रहिएगा।